वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान, माय सेल्फ राज सोनी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लास्टिक मनी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लास्टिक मनी क्या होता है। तो प्लास्टिक मनी दोस्तों जो है, प्लास्टिक मनी हम एटीएम कार्ड को बोलते हैं। तो एटीएम कार्ड आप लोगों ने जरूर देखा होगा, जरूर सुना होगा इसका नाम। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एटीएम कार्ड क्या होता है और एटीएम कार्ड कितने टाइप्स के होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एटीएम कार्ड जो है दो टाइप्स के होते हैं, एक डेबिट कार्ड होता है और एक क्रेडिट कार्ड होता है। तो जो डेबिट कार्ड होता है दोस्तों, वह जो है हमें बैंक के थ्रू मिलता है और उससे जो है हम अपने अकाउंट में जितने भी पैसे हैं उसे आसानी से हम निकाल सकते हैं। पहले के जमाने में तो एटीएम मशीन तो नहीं होता था, तब लोग जो है बहुत परेशानी उनको झेलना पड़ता था। वह जो है बैंक में जाते थे, विथड्रॉल फॉर्म को फिल करते थे, फिर जाके उन्हें बहुत एक दो घंटे लाइन में लगने के बाद तब उनको पैसा मिलता था। तो मान लीजिए आपको अर्जेंट में पैसे की ज़रूरत है और आप बैंक में जाएंगे, दो तीन घंटा लाइन लगाएंगे तो फॉर्म फिलअप करने में या सभी टाइम इसमें चला जाता है, तो आपका जो अर्जेंट में जो आपको पैसा चाहिए वो नहीं मिल पाता। इसलिए बैंक ने हर एक शाखे का एक एटीएम बनवा कर लगवा देता है, जिससे जो है किसी भी आदमी को परेशानी ना हो। इससे जो है कोई भी आदमी अपने खाते में जितने भी पैसे हैं उसको आसानी से निकाल सकता है। वह जो है एटीएम मशीन में जाता है, उस कार्ड को उसमें स्वाइप करता है, फिर अपना पैसा जितना चाहे वह आसानी से निकाल सकता है, लेकिन उतना ही निकालेगा जितना उसके अकाउंट में रहेगा। तो दोस्तों यह बात हो गई डेबिट कार्ड के बारे में। तो डेबिट कार्ड जो है हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है पैसे निकालने का। तो दोस्तों डेबिट कार्ड जैसे हम पैसे को निकाल सकते हैं, विदड्रॉ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसको जो है डेबिट कार्ड से पैसे को भेज नहीं सकते, उसमें हम जमा नहीं कर सकते। तो दूसरा है क्रेडिट कार्ड। तो दोस्तों बहुत पहले के जो लोग होते थे उन्हें जो है लोन में जो है बहुत दिक्कतें होती थी। वह जो है साहूकार के पास जाते थे, गहने को गिरवी रखते थे, तब जाके उनको कुछ ब्याज पे पैसे मिलते थे। तो दोस्तों जो क्रेडिट कार्ड होता है उससे जो है आज जो है बड़े आसानी से हमें लोन आसानी से मिल जाता है। तो पहले के जो लोग होते थे उन्हें जो है जमीन के कागजात, घर के कागजात, ऐसे ऐसे कुछ कागजात जो है बैंक में जमा करने पड़ते थे, तब उन्हें जो है कुछ ब्याज दर पे लोन मिलता था और वो लोन जो है हर महीने उसका ब्याज बढ़ता जाता था और जिससे किसी भी आदमी को लोन भरने में परेशानी भी होती थी। तो आज का जो ये क्रेडिट कार्ड है दोस्तों, ये क्रेडिट कार्ड जो है आसानी से आप जो है बैंक से ले सकते हैं, लेकिन बैंक जो है यह कार्ड केवल उन्हीं लोगों को देता है जिन पर बैंक जो है बिलीव करता है, विश्वास करता है, उन्हीं लोगों को यह कार्ड उसको वही देता है बैंक। और यदि आपके पास वो कार्ड आ जाता है तो आप उससे चाहे जितना पैसा चाहे निकाल सकते हैं, लेकिन उस कार्ड का भी कुछ लिमिट होता है कि आप जो है 3 लाख तक 4 लाख तक पैसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको अर्जेंट में कहीं काम पड़ गया तो आपके पास यदि क्रेडिट कार्ड है तो उससे आप आसानी से पैसा निकाल सकते हैं। अगर यदि आपके बैंक खाते में पैसे नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड से आसानी से पैसे निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये रहा क्रेडिट और डेबिट कार्ड का कुछ डिफरेंस, इसमें क्या डिफरेंट था मैंने आपको इतना बता दिया। अब बात करेंगे कि क्रेडिट कार्ड का क्या नुकसान है और डेबिट कार्ड का क्या फायदा है। दोस्तों डेबिट कार्ड को आप सभी लोगों ने यूज भी किया होगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेबिट कार्ड जो होता है उसे जो है वही पर्सन यूज कर सकता है जिसका वह डेबिट कार्ड होता है। तो डेबिट कार्ड में कुछ सिक्योरिटी भी लगी हुई होती है, जैसे कि उसमें कुछ पासवर्ड भी लगे होते हैं और कुछ सीवीवी, एक्सपायरी डेट, कार्ड नंबर, यह सभी चीज़ें होती हैं। यदि आपका डेबिट कार्ड कहीं भी खो जाए या कहीं भी गिर जाए तो उसे कोई भी पर्सन यूज़ नहीं कर सकता। उसे यूज़ करने के लिए आपका जो है एक्सपायरी डेट पता होना चाहिए जो कि उसको कार्ड से मिल जाएगा, कार्ड नंबर पता होना चाहिए, सीवीवी पता होना चाहिए। बाय द वे मान लीजिए उस पर्सन को सभी चीज़ें पता भी होगी फिर भी वह जो है आपके डेबिट कार्ड से पैसे को नहीं निकाल सकता है। तो मैं आपको बता दूं यदि वह उस पैसे को निकालना चाहता है तो उसको जो है एक ओटीपी की आवश्यकता होगी, ज़रूरत पड़ेगी ओटीपी की, और वह ओटीपी उसके फ़ोन में नहीं बल्कि वो आपके फ़ोन में आएगी।
जो आपने अपने मोबाइल नंबर को एटीएम कार्ड या बैंक खाते में आपने लिंक करा होगा, उसी नंबर पे आपका जो है ओटीपी आएगा। और अगर उस आदमी को वह ओटीपी नहीं मिलता है तो उसका ट्रांजैक्शन पूरा नहीं होता दोस्तों, जबकि क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड जो है दोस्तों, इसमें जो है यदि आपका क्रेडिट कार्ड कहीं खो जाए तो उसे किस कोई भी पर्सन आसानी से उसको यूज़ कर सकता है और उससे जो है चाहे जितने ट्रांजेक्शन कर सकता है। लेकिन दोस्तों एक बात और है, क्रेडिट कार्ड से जो है आप विड्रॉल नहीं कर सकते, पैसे को निकाल नहीं सकते। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, जब भी आप पैसे को निकालते हैं तो उसका जो है एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है। मान लीजिए आप एटीएम में जाके क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालना चाहेंगे तो उसका जो है चार्जेस बहुत ज़्यादा लगते हैं। इसलिए यदि आप जब भी क्रेडिट कार्ड को यूज करें दोस्तों, तो क्रेडिट कार्ड को जो है किसी भी शॉप पे जाएं, वहां से आप कुछ सामान लेना चाहते हैं वहां पे आप उसको स्वैप करके आसानी से सामान ले सकते हैं, या कहीं मॉल में गए तो उसे आप आसानी से स्वैप करके वहां से कुछ खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसे जो है आप एटीएम मशीन में ना लगाएं। और पहली बात ये है कि जो है क्रेडिट कार्ड में जो है दोस्तों, इसमें कोई भी पिन नहीं होता है, कोई भी सिक्योरिटी पिन नहीं होता है। यदि आपका क्रेडिट कार्ड कहीं गिर जाता है तो उसे कोई भी पर्सन आसानी से स्वाइप कर सकता है। तो यदि आपका क्रेडिट कार्ड कहीं गिर जाए तो आपको बैंक में जाके अपने क्रेडिट कार्ड को लॉक करा देना चाहिए, जिससे जो है कोई भी पर्सन उस क्रेडिट कार्ड को यूज नहीं कर सकता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आज का यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे एक लाइक जरूर करें, और ऐसे ही ढेर सारी वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।